1 किलोमीटर की पूरी स्ट्रेटेजी समझने से पहले, तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, वो समझने से पहले पहले टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग कितना आ रहा है अभी क्या आ रहा है अभी? सर 3:50। 3:50 आज जो मैंने वर्कआउट कराया था, क्या करवाया था? 600 की टाइम क्या लगा था उसमें सर? 3:32 2:32 सर। हाँ 2:32 3:32 तो बहुत लंबा चले जाएगा। हाँ टाइम कितना और कितना टाइम होगा मेरे पास हुए? 1 तारीख को आया था सर। 1 तारीख को, मतलब कि लगभग लगभग 12-13 दिन, और उसमें भी रेस्ट हो गया, 2-3 दिन रेस्ट दिया तेरा। और क्या नाम है, पहले कितना था? पहले 4:15। 4:15 टाइमिंग सर मुझे 7 दिन हो गए। हाँ पहले 6 मिनट के आसपास आता था। हाँ और अब धीरे धीरे कम होके 4:10 के आसपास। 4:10 आज का 600 मीटर लगाई थी आज की रेपिटेशन। दोनों कितने की टिकी? 2:40 की। आ जा भाई एक्सरसाइज कर लिए जाके, टाइमिंग बता दे पहले। सर जी मेरे आ रहा है 3:45। 3:45 पहले कितना था? 4:40। कितना टाइम हो गया आए हुए? 7 दिन। 7 दिन इसकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि इसके पेन नहीं है, इसका भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पेन होने लगा और इसके सिन पेन है, इसलिए थोड़ा सा इसका टाइम ज़्यादा आ रहा है। वरना फिजिकल वाले दिन मेरे को 3:45 चाहिए, ठीक है? मेरे को फिजिकल से मतलब नहीं, फिजिकल तो लगा हुआ है तुम्हारा भी, पर 3:45 से मतलब चाहिए। अब तरीका समझ लो, तू भी एक्सरसाइज कर जाके और तू भी कर, इतने तुम एक्सरसाइज करो, इतने जो है इसका वर्क खत्म हो गया तो हम बात करते हैं। तो मेरी बात सुनो, पहुँचो एक्सरसाइज करो अपने। अब क्या है मेन चीज़ सुनो, 1 किलोमीटर की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या मैं इनसे फॉलो करा रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़, वर्कआउट की बात अलग है। अब बहुत ऐसे हो गए जिनका फिजिकल कल ही है, जिनका फिजिकल आज ही है, वो सुबह सुबह 5 बजे वीडियो देख रहे हैं, और किसी का फिजिकल टाइम है और वो वर्कआउट में फॉलो कर सकते हैं इस टिप को, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ध्यान करो, कोशिश करो कि भाई जो तुम रनिंग कर रहे हो स्टार्टिंग जो है मेंटेन करके चलो। अधिकतर क्या सोचते हैं लोग, इन्होंने भी कई बार बोला था कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्टार्टिंग जो है स्लो करके चलूँगा फिर उठा दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग आपको उठानी ही पड़ेगी, बॉडी का कुछ नहीं पता, क्या पता बाद में भर जाए और क्या पता स्टार्टिंग में भर जाए। तो इसलिए आप क्या करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उठा के चलो और फिर पेस को मेंटेन करके चलो। अब कैसे करके चलना है मैं बता देता हूँ आपको। 200 मीटर जो है थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना है, फिर उस पेस को ना मेंटेन कर देना 400 मीटर तक। अब मेंटेन कैसे होता है, मतलब कि हाथ पैर टाइट नहीं करने, पैरों को स्मूथ चलाने हैं और हाथों को भी बहुत स्मूथ चलाना है, जब ही आपकी 400 मीटर कंप्लीट हो पाएगी। और एक और चीज़ हो, इधर आ फटाफट, एक और चीज़ और, इधर जल्दी, दोनों एक और चीज़ और कि क्या तरीका होता है वो तुम खुद से लेना। पहले कैसे सांस लेता था जो मैंने अभी तरीका बताया था? पहले मैं थोड़ी देर स्टार्टिंग में पहले कैसे सांस लेता, पहले जो टाइम था, पहले थोड़ी देर के बाद ही मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देता था मैं। और अभी जो टाइम लगाया था कितने टाइम तक कंट्रोल करा, कैसे कंट्रोल करा वो बता। मैं 400-500 मीटर तक तो मुंह नाक से लेता रहा। हाँ। फिर उसके बाद मैंने दांतों से ऐसे बीच के। हाँ। फिर 200-300 मीटर मैंने ऐसे ली और फिर लास्ट को 200 मीटर में। ये तरीका किसने बताया? ये आपने बताया। मैंने बताया, फर्क मिला इससे, टाइम टूटा था ना। हाँ तो यही तरीका अपनाना है, ये आपने खुद सुन लिया होगा कि तरीका क्या था, कि भाई तुम्हें क्या करना है, नाक से सांस लेना जब तक तुम कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होता है मुंह जल्दी से सूखता नहीं है, ठीक है? अधिकतर क्या करते हैं स्टार्टिंग में, गलत है, अपने नाक से सांस लो, ऑक्सीजन खींचो, ऑक्सीजन से छोड़ो, बॉडी रिलैक्स रहेगी, टाइट नहीं होगी, जल्दी से भरेगी। फिर उसके बाद मुंह से अपने दांतों को ऐसे भींच लो, ऐसे साथ छोड़ो और ऐसे खींचो। इससे क्या होगा, इससे भी जल्दी से मुंह सूखेगा नहीं। 600-700-800 मीटर के बाद आप जो पूरा मुंह खोल लो, हाँ इससे बहुत आराम मिलेगा, पूरी एंडिंग अच्छे से होगी। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी 400 मीटर यहाँ तक कंप्लीट होगी कि हमें बॉडी को मेंटेन करके चलना है, बची 600 मीटर उसे कैसे उठाना है कि आपको स्टार्ट, मतलब 400 मीटर होने के बाद थोड़ी स्पीड को पकड़ के चलना है, थोड़ा सा बॉडी को टाइट करके चलना है, क्योंकि 400 मीटर के बाद मेरे को पता है सबकी बॉडी टाइट होने लगेगी, तो बॉडी को थोड़ा सा टाइट कर लेना, पर कोशिश करना अगर स्मूथ चले, ना चले तो कोई नहीं, टाइट कर लेना, स्पीड कम मत होने देना। जैसी तुम्हारी स्पीड कम होती चले जाएगी वैसे ही तुम्हारा टाइम बढ़ता चले जाएगा, तो कोशिश करना स्पीड को पकड़ के चलना, क्योंकि तुम्हारी आखिरी दौड़ है, तो दबा लेना जितना दबा सकते हो। उसके बाद जब तुम्हारी यहाँ से 400 मीटर के बाद तुम 600 मीटर तक पहुँचोगे, उसके बाद लास्ट बचेगी 400 मीटर। उस 400 मीटर की स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है, क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप 600 मीटर कंप्लीट कर लोगे तो 800 मीटर तक आते आते उस पेस को बस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि इतना टाइम सबका अच्छा नहीं आ रहा, सबका 4:20, 4:30, 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे आ रहे हैं। तो तुम क्या करो, 800 मीटर तक तो उस पेस को मेंटेन करके चलो और लास्ट की 200 मीटर उठा दो। अगर तुम्हारा टाइम अच्छा आता है, 4 मिनट से डाउन आता है, तो तुम क्या करो, लास्ट की 400 मीटर उठाते हुए चलो, पर टाइम अच्छा नहीं आता, 400 आ पाता है, तो लास्ट की 200 मीटर पूरी उठा दो, मुंह खोल दो, मुंह से सांस लो, एक ऐसे ब्रीथ खींचो अच्छे से और ड्रॉप करो। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन लेवल बॉडी में आएगा और अपनी हैंड मूवमेंट को फास्ट कर दो। जितना हैंड मूवमेंट फास्ट करोगे उतनी आपकी बॉडी अच्छे से चलेगी, पैर भर जाएंगे, और पैर भरने के बाद हाथों का ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले होगा। हाँ
स्टार्टिंग में ना हाथ तेज मत चलाना, गलती मत करना। अधिकतर क्या करते हैं स्टार्टिंग में हाथ तेज चलाने लग जाते हैं, बहुत बड़ी गलती है। स्टार्टिंग में बस आपको पैरों के मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना और स्टार्टिंग में हाथ इस तरीके से चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, ठीक है, जिससे आपकी हाथों की पावर बची रहे और आखिरी में आप उसका इस्तेमाल कर सको। ध्यान रखना इस चीज़ को और यही स्ट्रेटेजी है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी टाइम फिक्स नहीं कर सकते आप। कभी आप ये सोच रहे हो कि 400 मीटर मैं 1:10 की लगा लूँगा, 1:20 की लगा लूँगा, 1:30 की लगा लूँगा, फिर 600 मीटर ऐसे लगा लूँगा, कभी भी ऐसे फिक्स नहीं हो सकता। बॉडी का कुछ नहीं पता कब कहाँ टाइट हो जाए। और दूसरी चीज़, घबराना नहीं है, घबराओगे नहीं, फिजिकल 100% लगेगा। जय हिंद, जय भारत।